Good morning students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of March 2023, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended pay speed for this video is 1.25x. Thought of the day is leaders destroy the followers, followers destroy the leaders. और आज के मिंट पेपर की अप्रोक्सीमेटली दस इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि मिंट के फ्रंट पेज पर दी हुई हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली चौदह इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम तेरह न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है इंडिया में बिगेन टू एक्सपोर्ट कोल बाय फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी सिक्स अगर कोल प्रोडक्शन और कोल एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है स्पाइट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया इज एक्चुअली द नेक्ट इम्पोर्टर ऑफ फ्यूएल तो कहीं कही ना कहीं जो इनएफिशेंसीज हैं कोल के यूटिलाइजेशन को लेकर के उनको स्ट्रेंदन करने की गवर्नमेंट सोच रही है और इसके बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद से इंडिया कैन बिगेन इट्स एक्सपोर्ट तो बेसिकली 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 से इंडिया इज ट्राइंग टू बी द एक्सपोर्टर्स ऑफ कोल क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो जो लोकल डिमांड है उसे एक्सीड कर जाएगी बाय दिस फाइनेंशियल ईयर तो अगर लोकल डिमांड सेशिएट हो जाएगी प्रोडक्शन तो रिमेनिंग है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट टू ईयर्स फ्रॉम द कोल माइन्स एंटर द मार्केट ऐसा कहना है हमारे जो कोल सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमृतलाल मीना और अगर करंट सिचुएशन की बात करें करंट प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के फर्स्ट ऑफ अप्रैल से इंडिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली वन बिलियन टन ऑफ कोल जो है वो हर साल प्रोड्यूस करेगा अभी फाइनेंशियलियलियलियलिययर ट्वेंटी थ्री की क्या कैपेसिटी है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री में इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली एट एट जीरो आठ सौ अस्सी मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया है तो फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री में 880 मिलियन टन से इंक्रीज होकर के 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी पहुंच जाएगा इंडिया का और इसके अकॉर्डिंग 2026 तक इंडिया जो है अपनी लोकल डिमांड को सैशिएट करके सरप्लस प्रोड्यूस कर पाएगा और जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन होगा इंडिया जो है कोल का एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगा एंड गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज विद नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश श्रीलंका थ्रू कोस्टल कनेक्टिविटी तो पहले तो पास के जो कंट्रीज हैं ऐसे कंट्रीज जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उनको कोल एक्सपोर्ट किया जाएगा लेटर ऑन ये कोल एक्सपोर्ट जो है वो अदर रीजन्स पर भी एक्सटेंड किया जा सकता है और ऐसा कहना है एक्सपोर्ट का दिस पर्टिकुलर मूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट क्योंकि अगर कोल के केस में देखें तो इंडिया हैज रिमेन द नेट कोल इंपोर्टर डिस्पाइट ऑफ हैविंग द फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व वॉर इन वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इसके कई सारे रीजनस हैं एक तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है दूसरा जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना हमारी लोकल डिमांड में भी फुलफिल नहीं हो पाता तो इसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है बट ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके थ्रू एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2026 तक हम सर प्लस कोल प्रोड्यूस कर पाएंगे जो कि एक्सपोर्ट के लिए सफिशेंट होगा और ये इंडिया की जो पोजीशन है सप्लाई ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा तो दो ईयर का ऐसा गैप लिया जा रहा है और कहा आज से यानी 2024 से दो साल बाद इंडिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सरप्लस कोल जो है वो प्रोड्यूस करेगा और वो सरप्लस कोल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा अदर नेबरिंग कंट्रीज से दिस इज द एक्सपेक्टेशन टू प्रोड्यूस वन बिलियन टन फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर और 2026 तक सब कोल प्रोडक्शन तो हम देख सकते हैं 2018 से लेकर के 2019, 20, 21 और 22 तक का डेटा दिया हुआ है कितना कोल प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में और हमें कंटिन्यूसली पिछले पाँच सालों में कोल प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन से लेकर के प्रोडक्शन कैपेसिटी सप्लाई चेन सब में गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट किया है और आगे और इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर वन ऑफ मिंट पेपर सम कंज्यूमर गुड्स कंपनी स्टिल हर्टिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो अगर पिछले लास्ट टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो पैंडमिक और इन्फ्लेशन ने कई सारे जो सेक्टर हैं उनको इम्पैक्ट किया है इवन ऐसा कोई भी बिज़नेस सेक्टर नहीं रहा है जो कि पैंडमिक और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से वैक्यूम रहा हो लेकिन इसके बाद जैसे ही पैंडामिक के रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हुए या पैंडमिक के रिस्ट्रिक्शंस कम होना शुरू हुए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज कंपनीज के सामने आया हालांकि जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था पैंडेमिक के बाद रिकवरी उतनी रिकवरी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट कंपनीज आर फेसिंग एंड स्टिल फेसिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी कंसर्न एंड ग्लोबल अनसर्टनिटीज तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है और कहा जा रहा है कि कुछ अभी भी ऐसी कंपनीज़ हैं कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हैं जो कि इन्फ्लेशन की, की वजह से इम्पैक्ट हो रही है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट हो रही है तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैकेज फूड लिकर कॉस्मेटिक्स से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो या कुछ ऐसी कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हैं जो कि अभी भी हाई हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाई हैं पैंडमिक के बाद जो पैंडमिक के डूरेशन में जो इम्पैक्ट पड़ा उससे रिकवरी अभी ये सेक्टर नहीं कर पाया था तो पैकेज फूड्स लिकर और कॉस्मेटिक सेक्टर अभी भी ऐसा है जो कि जिसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से जो पैंडमिक में लॉस हुआ उससे रिकवरी नहीं हो पा रही इन सारे कंपनीज और इन्फ्लेशन के बारे में हम सभी जानते हैं अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो होल सेल इन्फ्लेशन भी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली अट्ठारह महीने तक डबल डिजिट में रही थी और अभी फेबररी में ये अपने 25 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंची हुई है थ्री पॉइंट एट फाइव परसेंट होल सेल इन्फ्लेशन रही है या डब्ल्यू पी इन्फ्लेशन रही फेब्ररी के मंथ में लेकिन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो परचेज मैनेजर्स हैं उनका यह कहना है कि अगर हम इनपुट को देखें यानी मिल के प्राइस देखें ग्लास बॉटल्स के प्राइस देखें वीट के प्राइस देखें पैकेजिंग मटेरियल के प्राइस देखें तो ये प्राइस अभी भी हायर हैं कि ये मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज इस तरह के इनपुट्स को यूज़ करती हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सी के बास्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सी जो है वो अभी भी आर की टॉलरेंस लिमिट से हाई है तो मिल्क के प्राइस ग्लास बॉटल के प्राइस वीट के प्राइस पैकेजिंग मटेरियल के प्राइस हाई हैं जिसकी वजह से ये कंपनीज जो हैं पैकेज फूड कंपनीज लिकर कंपनीज़ कॉस्मेटिक कंपनीज ये अभी पैंडेमिक के शॉक से रिकवर नहीं कर पा रही हैं और इसके अलावा अगर हम सीरियल्स को देखें वीट को देखें कॉर्न को देखें फ्रूट्स को देखें नट्स को देखें सीड्स को देखें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम हैव सीन द प्राइस हाइक ड्यूरिंग पैंडमिक टू टू ईयर्स हालांकि अब कुछ कमोडिटीज़ में प्राइस डिक्रीज़ होना शुरू हो चुका है बट मैन्यूफैक्चरर्स का कहना है कि अभी भी कुछ आइटम्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसमें जो इंक्रीज है इन्फ्लेशन का वो स्लो डाउन नहीं हुआ है ल दो कुछ मोडिटीज की वजह से कुछ साइन ऑफ रिलीफ है बट स्टिल नंबर ऑफ रॉ मेटीरियल्स आर कॉस्टलियर टूडे आप देख लेते हैं गवर्नमेंट प्लान लॉन्च ऑफ सिक्स जी टैक बाई ट्वेंटी थर्टी तो इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च सिक्स जी नेटवर्क टेक्नोलॉजी बाई फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थर्टी कल के न्यूज एनालिसिस में भी हमने सिक्स जी के बारे में डिस्कस किया था कि एक इंटरनेशनल जो यूनिट है आप मुझे उस यूनिट का नाम बताइए जो कल मैंने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस करी थी उस यूनिट के जो है वो, वो क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन में इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है बेसिकली सिक्स जी टेक्नोलॉजी को लेकर के पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करी जा रही हैं और इंडिया फिलहाल के लिए इस टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में आगे रहना चाहता है और इसीलिए इंडिया ने अपने लिए एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि अफोर्डेबल मैनर में अफोर्डेबल मीन्स कॉस्ट अफोर्डेबल मैनर में इंडिया जो है दो तक सिक्स जी नेटवर्क टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय और डेवलप कर लेगा तो 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी आगे आने वाले पांच सालों तक रोल आउट होने का गवर्नमेंट ने मिशन रखा और इसका नाम दिया है भारत 6G मिशन अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में इसमें ऑल विस्तारा एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ मर्जर प्लान टू कंसोलिडेट द नंबर ऑफ एयरलाइंस अंडर द टाटा ग्रुप टू टू फ्रॉम फोर अभी टाटा ग्रुप के अंडर फोर एविएशन कंपनीज हैं जिनको कंसोलिडेट करके टाटा जो है वो टू कंपनीज में कन्वर्ट करना चाह रहा है और इसके तहत ऐसा प्लान किया जा रहा है कि विस्तारा को एयर इंडिया से मर्ज कर दिया जाएगा तो जब भी मर्जर या कंसोलिडेशन या एक्विजिशन का इशू आता है तो इम्प्लॉय की जो जॉब है उस पर सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है इम्प्लॉय को कंसर्न होता है कहीं ऐसा ना हो कि उनको निकाल दिया जाए तो इसको लेकर के जो सी ई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एयर इंडिया के उन्होंने बोला है कि विस्तारा का जितना भी स्टाफ है टोटल स्टाफ कितना है पाँच एक सौ जो स्टाफ है वो तो, पूरा स्टाफ एयर इंडिया एब्जॉर्ब करेगी आफ्टर द मर्जर एंड आफ्टर एक्वायरिंग द एयर इंडिया द टाटा ग्रुप ऑल्सो प्लान्स टू मर्ज लो कॉस्ट कैरियर एयर एशिया विद इंडिया एयर एशिया इंडिया विद एयर एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड विस्तारा विद एयर इंडिया तो बेसिकली बहुत सारी जो लो कॉस्ट कैरियर कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की ही वो एयर इंडिया में मर्ज हो रही हैं बेसिकली टू स्केल अप द बिजनेस प्रोसेस एंड टू पोजिशन टा एयर इंडिया ऑन वेल फ्रंट आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप डी बी पावर बाइस बैग बाई बैक स्टेक फ्रॉम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रुपी फोर हंड्रेड करोड़ डी बी ग्रुप मींस दैनिक भाषकर ग्रुप जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी ग्रुप भी बोलते हैं तो डी बी ग्रुप की जो पावर सब्सिडी है डी बी पावर लिमिटेड उसने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर जी आई पी का जो स्टेक है वो रीपर्चेज कर लिया है रुपीज 400 करोड़ में सो इन अ डील देट दैट है फैसिलिटेटेड द इन्वेस्टर एग्जिट दैनिक भास्कर और डी बी पावर ग्रुप हैज रीपर्चेज द डी आई पी स्टेक इन इट्स थर्मल पावर बिजनेस फॉर रुपी फोर हंड्रेड करोड़ तो बेसिकली बाई बैक ऑप्शन के थ्रू कंपनी ने ये जो 400 करोड़ का स्टेक था उसको रीपर्चेज कर दिया और कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो एग्जिट कर गए हैं इस पर्टिकुलर थर्मल यूनिट से और कंपनी का ये कहना है कि जो भी बाई बैक कंपनी ने किया है दैट हैज़ बिन फंडेड थ्रू द इंटरनल एकूल्स कोई भी लोन कंपनी ने नहीं लिया है अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ आर्टिकल पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि पेज नंबर चार पर दिया हुआ है पेज नंबर एक पर दिए हुए आर्टिकल हम शॉर्ट सेक्शन में कवर करेंगे देख लेते हैं पेज नंबर चार का पहला आर्टिकल भारत सिक्स मोदी लॉन्चेस प्रेप फॉर नेक्स्ट जेन टेलकॉज तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया मिंट के एनालिस में कि इंडिया ने 6G टेक्नोलॉजी के रोल आउट के लिए 2030 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया और इसके लिए प्रिपरेशन भी शुरू कर दिए इंटरनेशनल फोरम में भी इंडिया जो है वो अपना से ही इंक्रीज़ करना चाहता है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन उसी को लेकर के ये न्यूज़ है तो वेडनेसडे को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का जो सिक्स मिशन है उसको अनबील किया उसको डिसक्लोज़ किया उसको लॉन्च किया जो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव डेवलपमेंट और रोल आउट पर फोकस करता है और इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिसर्च वो अलाउ कर दी गई डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव अलाउ करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द अडोप्शन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजी दोस्तों ऑफिशियल जी टेस्टेड प्रोजेक्टेड आर अलाउड टू गो फॉर रिसर्च सो दैट दिस टारगेट कैन भी अचीव और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो नाम रखा है मिशन का भारत सिक्स जी प्रोजेक्ट और भारत सिक्स जी मिशन और एक्स काउंटिल भी इसके लिए अपॉइंट करी गई है जो कि इन सारे रिसर्च डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट और प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी अगर इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में सब्सक्राइबर बेस के अकॉर्डिंग इंडिया इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट ग्लोबली सबसे बड़ी दूसरी लार्जेस्ट मार्केट अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन डिजिटल सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया के खुद की लैंड में और पिछले जो साल रहे गवर्नमेंट के उसमें गवर्नमेंट का एक कहना है एक क्लेम करना है कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है और आगे आने वाले टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी है नेशनल इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी के फॉर्म में 2.5 टाइम फास्टर पेस से ग्रो करेगी तो पिछले जब से गवर्नमेंट पावर में आई उससे लेकर के आगे आने वाले टाइम तक इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए करंट गवर्नमेंट का मिशन है इसके अलावा एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कॉल बिफोर यू डिग जिसको हम सी यू बी यू डी के नाम से भी जानेंगे टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सकवेशन एजेंसीज एंड अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर्स टू परमिट द to prevent that damage of utilities due to digging. टू so डिगिंग basically digging की वजह से जो भी utilities को damage होता है उसको रोकने के लिए जैसे कि जो disruption होता है network में वो disruption ना हो ये गवर्नमेंट ने कॉल बिफोर यू डिग एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इफ़ यूर preparing फॉर एनी एग्जाम यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इनिशिएट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर सिक्स जी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट मिशन टू टर्न इन टू टू फेजेस टिल ट्वेंटी थर्टी टू मेक इंडिया जी आर एन डी एंड मैनुफैक्चरिंग हब इंडिया को सिक्स जी के केसेस में आर एन डी हब मैनुफैक्चरिंग हब और बेसिकली सप्लायर के फॉर्म में इमर्ज करना बाई ट्वेंटी थर्टी ये इस पर्टिकुलर मिशन का पर्टिकुलर सिक्स जी मिशन का ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा कई सारे और मेजर्स भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के को लेकर लोकेशन को लेकर के पर्सनलाइज नेटवर्क को लेकर के भी तो बेसिकली आप इसको एक फॉर्मेट की तरह याद कर सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस वुड बी दन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू और इसी के साथ एक और न्यूज़ भी है जो कि इंडिया के टेक्नोलॉजिकल फ्रंट से ही एसोसिएटेड है बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर से ही एसोसिएटेड है उसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं इंडिया हैज़ वन ट्वेंटी सेवन ग्लोबल पेटेंट फॉर सिक्स जी नाउ से इज वैष्णव तो इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली एक सौ सत्ताईस ग्लोबल पेटेंट हैं फॉर सिक्स जी टेक्नोलॉजी इट मीन्स इंडिया ऑलरेडी सिक्स जी टेक्नोजी फॉर रिसर्च एंड डेवलप स्टार्ट कर चुका है और इस पेस में एंड डेवलपमेंट चल रहा है कि इंडिया ने एक पेटेंट करा लिए हैं और ये किसका स्टेटमेंट है ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है मिस्टर अश्विनी वैष्णव उन्होंने बोला है वेडनेसडे को उस इवेंट में जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिक्स जी टेक्नोलॉजी के रोल आउट को लॉन्च किया तो इंडिया इज ऑलरेडी ऑन फ्रंट विद अदर कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ सिक्स डी टेक्नोलॉजी आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव दैट इज गिवेन ऑन पेज नंबर सिक्स ऑफ पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड लार्ज सीपीएसपेंड एटी फाइव परसेंट ऑफ कैपेक्स टारगेट by फेब्री तो सी पी एस Central स्टैंड फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी पी एस ईज बोलते हैं इनको हर फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टारगेट दिया जाता है इस फाइनेंशियल ईयर में भी दिया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में जो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री में भी इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट दिया गया था बजट के ड्यूरेशन में और टारगेट इस बार कितना दिया गया था अप्रॉक्सीमेटली सौ करोड़ का टारगेट दिया गया था क्यों गवर्नमेंट टारगेट देती है सबसे बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर स्केलिंग ऑफ द प्रोडक्शन फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड स्पेशली फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ये तीन बेसिक मोटिव होते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो सौ करोड़ तो सौ करोड़ का 100 तो करोड़ का, का टारगेट दिया गया था इन सी को और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके एनुअल रिवाइज एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो इन्होंने अपना 85 परसेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अचीव कर लिया है अप्रॉक्सीमेटली 6.46 ट्रिलियन का टारगेट जो है इन सी ने अचीव कर लिया हम बहुत सिंपलीफाइड अगर लैंग्वेज में बोले तो उन्होंने अपने टारगेट का पच्चासी परसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया है फेबररी तक तो जो रिमेनिंग पंद्रह परसेंट बचा है वो उन्हें सिर्फ मार्च में करना है तो और इसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है इस डेट के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि प्रॉब्ली जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का वो अचीव कर लेंगे द कैपेक्स टारगेट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 54 फोर सी बी एस यानी चौवन जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं और फाइव डिपार्टमेंटल्स आर्म्स हैं उनकी उनको यह टारगेट दिया गया था और अगर इस पर्टिकुलर एग्जॉशन को इस पर्टिकुलर अचीवमेंट को टारगेट को हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल इस पीरियड तक यानी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू के फ़रवरी तक इन्होंने केवल सेवेंटी नाइन पॉइंट टू परसेंट का टारगेट अचीव किया था यानी केवल 5.95 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर किया था जो कि इस बार 6.46 ट्रिलियन है और फाइनेंशियल ईयर 22 अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस में केवल 96 सिक्स परसेंट 4 परसेंट तो टारगेट से पीछे रह गए थे अपने नाइन्टी सिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था बट इस बार का डेटा देखकर ये लग रहा है कि प्रॉबली हो सकता है जो चौवन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो इस बार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट जो है वो अचीव कर तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें डेटा को और डीपली एनालाइज करें तो 17 परसेंट का इंक्रीज हमें या 17 परसेंट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अप्रैल से लेकर के फरवरी के पीरियड तक हालांकि अगर रिवाइज एस्टिमेट्स को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो चौवन सी पी एस सीज हैं दे आर डेकलाइनिंग टू टू पॉइंट फोर वन ट्रिलियन फ्रॉम टू पॉइंट नाइन वन ट्रिलियन और ऐसा ऑफिशियल्स का यह कहना है कि हो सकता है कि जो सी पी एस सीज हैं बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो केवल इतना ही टारगेट अचीव कर पाए हंड्रेड परसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो पाए एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स तो ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है लेटर सी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा देन वी विल गेट टू नो वेदर दे आर एबल टू The targets or not, so this is the annual capital expenditure uh, by CPSCs from April to February or from April to January. This is for CPSCs and this is for center. Up article number six that is given on page number six of business standard bank credits of take lift CD issuance. थ्री एक्स तो बेसिकली पेज नंबर छः पर आर बी आई बुलेटिन से रिलेटेड तीन न्यूज़ हैं उन तीनों ही न्यूज आर्टिकल्स को हम यहीं पर कवर करेंगे दूसरी न्यूज़ क्या है ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स बेटर इन ईजिंग साइकिल और रिटेल इन्फ्लेशन मैग्निफाइड आर बी आई साइट्स एन एस ओ मैथडोलॉजी तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है पहली न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो बैंक क्रेडिट है उस पर न्यूज़ किस तरीके से बैंक क्रेडिट इन इंक्रीज हुआ और उसका किस तरह से सी डी पर उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा है हम सभी जानते हैं और अगर आप रेगुलर न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंट टाइम में जो बैंक क्रेडिट है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है मतलब जो क्रेडिट रेट है जो क्रेडिट डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई और इसकी वजह से बैंक जो ने बैंक्स ने कई बार शॉर्ट टर्म लोन्स भी लिए हैं इंटर लोन्स भी

तीन गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गया तीन गुना ज्यादा बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिज़न में रीज़न बिहाइंड जो क्रेडिट डिमांड थी बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा हाई थी जिसकी वजह से बैंक्स ने जो फंड्स की डिमांड ज़्यादा करी जो इन ऑर्डर टू सेशिएट दैट पर्टिकुलर क्रेडिट डिमांड जो बैंक्स ने भी लोन लिया किस लिए बैंक्स ने भी शॉर्ट टर्म लोन्स लिए वन डे लोन लिए डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन किस लिए क्रेडिट ग्रोथ को सेटिस्फाई करने के लिए और उसकी वजह से जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उसका इश्योस जो है वो तीन गुना ज्यादा बढ़ गया है इन प्राइमरी मार्केट फंड मोबालाइजेशन थ्रू सी डी सर्टिफिकेट दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूएंस वॉज रोबोस्ट एट सिक्स पॉइंट थ्री ट्रिलियन बेसिकली कंज्यूमर के टर्म्स में इसको हम एफ भी बोलते हैं हमारे लिए एफ एफडी होता है बट बैंक के लिए दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सेविंग अकाउंट्स दैट होल्ड अ फिक्स्ड

द बैंक ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई प्रोवाइड किया है तो एफ डी ज़्यादा ओपन हुई तो बैंक को ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना पड़ा है जिसकी वजह से ये तीन गुना ज़्यादा हो चुका है पिछले साल के कंपेयर अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट थ्री ट्रिलियन के सी जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर में इशू किए गए अप टू मार्च टेन और जो कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा है पिछले साल यही इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दो ट्रिलियन का केवल अमाउंट जो था वो सी डी के फॉर्म में इशू किया था गवर्नमेंट ने इस बार सिक्स पॉइंट जो तो देते थे तीन गुना ज्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है रीज़न

तो और इन दोनों पॉलिसीज की सिचुएशन का कंपैरिजन करके आरबीआई ने ये पाया है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट होता है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन भी कहते हैं जो कि बैंक स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दे माइट बी नोइंग ट्रांसमिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर कोई भी मॉनिटरी पॉलिसी अगर फ्लोच कर रही है चाहे वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो या मोनिट्री पॉलिसी ईजिंग हो मतलब चाहे रेपो रेट में इंक्रीज कर रही हो चाहे रेपो रेट में डिक्रीज कर रही हो इट शुड रीच टू दंज्यूमर डिपॉजिटर पब्लिक हैं है, उन तक उसका चेंज पहुंचना चाहिए ट्रांसमिट हुई एनडीजर तक या बैंकिंग सेक्टर तक तो बेसिकली इस पर्टिकुलर दो सिचुएशन को कंपेयर किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो मॉनिटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता है वो ईजिंग साइकिल में ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू टाइटनिंग टाइटनिंग सचुएशन जो आर बी आई अभी कर रही है इन रेपो रेट इंक्रीज़ कर रही है जब रेपो रेट आर बी आई इंक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग और अगर डिक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं मोनिटरी पॉलिसी ईजिंग तो आर बी आई का यह कहना है कि जो रेपो रेट ट्रांसमिशन होता है मॉनिटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता है जो लैंडिंग रेट रेपो रेट में जो डिक्रीज होता है वो एंड कंज्यूमर तक ईजिली पहुंच जाता है राधर देन टाइटनिंग टाइटनिंग जो है वो उतनी ईजिली ट्रांसमिट नहीं हो पाती एज पर द आर बी आई स्टडी सो दिस इज द इजिंग साइकिल फ्रॉम फेबर नाइनटीन टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो आर बी आई ने साइकिल मॉनिटरी पॉलिसी ईजनिंग करी थी और ये जो मे ट्वेंटी टू से लेकर फेबररी ट्वेंटी थ्री तक जो आर बी आई टाइटनिंग पर जा रही उसको लेकर के तो रेड ईजिंग और ब्लू इंडिकेट्स द टाइटनिंग साइकिल यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट रेपो रेट रिटेल रिटेल वर्क और कई सारे अदर लैंडिंग रेट्स का कंपैरिजन किया गया है उस ड्यूरेशन में कि किस तरीके से ईजिंग के केस में ये रेट ट्रांसमिशन हुआ है और टाइटनिंग के केस में रेट ट्रांसमिशन कितना कम हुआ है तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर हम ईजिंग करते हैं आरबीआई अगर मॉनिटरी पॉलिसी ईजनिंग कर रही होती रेपो रेट को डिक्रीज कर रही होती मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा रही होती उस समय रेपो रेट का ट्रांसफर ट्रांसमिशन जी रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई बेस्ड इंफ्लेशन है कोर इंफ्लेशन है कई बार से हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा बनी हुई है कई सारे एक्सपर्ट्स का यह एक कहना है कि जो इस समय सीपीआई कैलकुलेट हो रही है वो थोड़ा सा एग्जाजरेटेड है मैग्नीफाइड है एक्चुअली में इतनी इन्फ्लेशन ऑन ग्राउंड लेवल पे ऑन रियलिटी नहीं है तो इसको लेकर के कई सारे एनालिस्ट कई बार रिटेल इन्फ्लेशन की एक्यूरेसी को चैलेंज कर चुके हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में है दैट इज एक्चुअली ओवर एस्टिमेटेड एग्जाजरेटेड और मैग्निफाइड उसको लेकर के आर ने अपने बुलेटिन में क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर एक्सपोर्ट्स को लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन कोर इन इन्फ्लेशन, फ्लेशन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन एग्जाजरेटेड है ओवर एस्टिमेटेड ऑफ रेट ऑफ प्राइस राइज इन सीरियल्स तो वो बेसिकली एन की जो मैथडोलॉजी है उसकी कमी है आर के डेटा कलेक्शन या कैलकुलेशन में ऐसी कोई भी फॉल्ट नहीं है देयर वर व बिटवीन द फीगर अराइव्ड बाई एन एस ओ एंड द एनालिस्ट ड्यू टू द वे एन एस ओ एग्रीगेट्स द डेटा फ्रॉम आइटम लेवल अपवर्ड्स टू द नंबर एट नेशनल लेवल तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इन डिटेल इन्फ्लेशन जो अलग है जो एन एस ओ का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अलग है और इसको लेकर के आर बी आई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा है कि बेसिकली जो भी सीरियल के

चेकिंग द प्रिपरेशन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक अब देख लेते हैं नेक्स्ट लॉ फॉर्म्स प्लान फी हाइड टू रिटेन टैलेंट एमिट फॉरन एंट्री फॉरन फॉरन लॉ फॉर्म्स की एंट्री अलाउ कर दी गई है ये कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं ये भी न्यूज आते तब भी हमने डिस्कस किया था कि लॉ बोर्ड ने फॉरन जो लॉ फॉर्म्स हैं उनको इंडिया में प्रैक्टिस करना अलाउ कर दिया है प्रोवाइडेड दैन दे फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बाद से जो डोमेस्टिक लॉ फॉर्म्स हैं दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देअर फी फी हाई करने जा रही हैं क्यों फी हाई करने जा रही है क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर फॉरन लॉ फॉर्म्स एंटर करेंगी इंडियन लैंड में डेफिनेटली तो दे विल हायर मोर टैलेंट वो डोमेस्टिक लैंड से ही टैलेंट को हायर करने की कोशिश करेंगी फॉर हायर पेमेंट फॉर हायर सैलरी और इसीलिए उन्हें भी टैलेंट रिटेन करने का चैलेंज उनके सामने भी बहुत बड़ा था तो टैलेंट को रिटेन करने के लिए लॉ फॉर्म्स को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी प्रोफेशनल्स को सैलरी ज़्यादा देने के लिए दे नीड टू चार्ज द मोर फी तो फी को इंक्रीज करने का प्लान कर रही है लॉ फॉर्म्स आफ्टर द सेंट्रल डिसीजन टू अलाउ द फॉरन फॉर्म्स टू स्टैब्लिश देयर ऑफिस इन द कंट्री सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव एन नाइस डे